सिग्नेचर्स इशंस की फेशियल किट का रिव्यू एंड डेमो करने वाले हैं। ये वाली जो फेशियल किट है वो मतलब इसकी ब्रांड की और दूसरी फेशियल किट्स में पहले यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं फ्रूट वाली जो फेशियल किट है उसका यूज़ करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इससे रिजल्ट कैसा मिलता है। इस फेशियल की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये सिर्फ 260 रुपीज़ में ही मिल जाता है और इसमें से आप 3 लोगों का फेशियल कर सकते हैं या तो आप 3 टाइम्स फेशियल कर सकते हैं। 45 मिनट्स में ही फेशियल जो है वो हो जाता है और एकदम ही हमें पार्लर जैसा निखार मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बिफोर यानी कि अपने पहले की स्किन दिखाऊंगी और उसके बाद की स्किन भी दिखाऊंगी, जिससे आप कंपैरिजन कर पाए और आपको पता चल पाए कि ये वाली फेशियल किट जो है वो कैसा रिजल्ट देती है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैंने अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि ये फेशियल करने से पहले मेरी जो स्किन है वो कुछ इस तरीके की लग रही है। अब हम ये वाला जो फेशियल है उसे ट्राई करते हैं। सारे ही स्टेप्स मैं आपको करके दिखाती हूँ और उसके बाद में दिखाती हूँ कि स्किन में मतलब बाद में क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें दी गया है D10 थेरापी बाइकोफ मास्क। ये फेशियल करने से पहले हमें एक स्टेप दिया गया है प्रेप करने के लिए। तो एक छोटी सी मतलब इतनी सी एक ट्यूब है जो कि हमें रिसीव हुई है। सबसे पहले हमें ये वाइप ऑफ मास्क जो है वो लगाना है। पीछे सब कुछ ही मेंशन किया गया है कि हमें क्या क्या करना है। तो ये वाला जो वाइप ऑफ मास्क है वो हमें 15 मिनट्स तक अपने चेहरे पे रखना है और उसके बाद इसे निकाल देना है। तो सबसे पहले यही स्टेप करते हैं। बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है इसमें से और अगर आपके चेहरे पे थोड़ा सा भी टैन का प्रॉब्लम है तो ये वाला जो स्टेप है वो स्पेशली टैन रिमूवल के लिए भी बनाया गया है। मास्क लगाने के बाद हमें 2 मिनट्स तक सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मसाज करनी है। अच्छे से हम 2 मिनट्स तक मसाज करेंगे, उसके बाद इसे 15 मिनट्स तक रहने देंगे और उसके बाद हमें कॉटन से मतलब अपना चेहरा जो है वो साफ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 2 मिनट्स तक इस तरीके से मसाज कर रही हूँ और उसके बाद 15 मिनट्स से के बाद वॉश करके देखते हैं कि रिजल्ट कैसा मिलता है। ब्रांड जो है वो दावा करती है कि 15 मिनट्स के बाद ही आपको अपनी स्किन पे एक थोड़ा सा ग्लो एंड ब्राइटनेस जो है वो फील होगी। पर 15 मिनट्स हो चुकी है और मैं कॉटन से अपना चेहरा जो है वो थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ और उसके बाद रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट कैसा मिलता है। वाइप ऑफ मास्क जो है उसे क्या सच में हमारी स्किन थोड़ी सी ब्राइट एंड फ्रेश बनती है या नहीं। तो अब चलते हैं फर्स्ट स्टेप की और फर्स्ट स्टेप का जो नाम है वो है क्लींस। यहाँ पर जेंटल फ्रूट आलमंड क्लींस ऐसा नाम दिया गया है। ये एक वन काइंड ऑफ क्रीम दी गई है जो हमें चेहरे पे लगानी है और 2 मिनट्स तक इसकी मसाज करनी है। ये वाली जो क्रीम यहाँ पर हमें मिली वो 15 मिली जितनी मिली है, ये छोटू से पाउच में मिली है, तो इसे लगाते हैं। बट ये फर्स्ट स्टेप करने से पहले यहाँ पर हमें हमारे चेहरे को थोड़ा सा गीला कर लेना है और नेक का जो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और कुछ इस तरीके का टेक्सचर है इसका। इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही मतलब खुशबू जो है वो एकदम ही धीमी धीमी एंड लाजवाब खुशबू है। इसका जो टेक्सचर है वो भी एकदम ही मतलब क्रीमी काइंड है, जब हम टच करते हैं तो पूरा ही क्रीमी फील देता है और मसाज करना यहाँ पर बहुत ही ईजी है। तो आपको इस तरीके से 2 मिनट्स तक अच्छे से मसाज करना है। के बाद हमारा पहला स्टेप जो है उसे हमें थोड़ा सा पानी से या तो कॉटन से साफ कर देना है। तो मैं यहाँ पर चेहरे को साफ कर लेती हूँ
जिससे हमारी स्किन दूसरे स्टेप के लिए रेडी हो जाए। तो यहाँ पर दूसरा जो स्टेप है वो है कंडीशन जेंटल फ्रूट ऑरेंज स्क्रब, यानी कि यहाँ पर ऑरेंज का स्क्रब बनाया गया है, सेम ट्यूब में हमें ये रिसीव हुआ है। और यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है उसके लिए हमें 8 मिनट्स चाहिए। सबसे पहले तो 3 मिनट तक हमें इसे चेहरे पे मसाज करनी है, और उसके बाद ये वाला जो मास्क है उसे 5 मिनट्स तक चेहरे पे रहने देना है, और उसके बाद निकाल देना है। तो सबसे पहले मैं इसे खोलती हूँ, क्योंकि ये स्क्रब है तो थोड़ा सा दरदरा होगा। यस, इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके का है। वाओ, स्मेल बहुत ही मस्त। यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मसाज हमें हमेशा ही अपवर्ड डायरेक्शन में और सर्कुलर मोशन में ही करनी है। जब भी हम फेशियल करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो बहुत ही जरूरी है, तो हमेशा ही अपवर्ड डायरेक्शन में और सर्कुलर मोशन में ही हमें मसाज करनी है। अब 5 मिनट्स तक हमें इसे रखना है, तो मिलती हूँ आपको 5 मिनट्स के बाद। हो चुके हैं, और अब हम ये जो हमारा सेकंड स्टेप है उसे निकाल देते हैं। चलते हैं थर्ड स्टेप की, और थर्ड स्टेप जो है उसपे हमें मसाज करना है, और इसमें सेफ्रॉन का यूज हुआ है। तो सबसे पहले तो ये वाली जो क्रीम है उससे हमें 15 मिनट्स तक सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। सेफ्रॉन के जो अच्छे अच्छे गुण है वो हमारे स्किन में आएंगे, और उससे हमारी स्किन अच्छे से ग्लो करेगी। तो यहाँ पर सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो यूज हुए हैं वो एकदम ही नेचुरल है। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये वाले फेशियल की। तो अब ये स्टेप करते हैं। आपको 15 मिनट्स तक मसाज करनी है, और उसके बाद ये जो क्रीम है उसे चेहरे पर से हटा करके फोर्थ स्टेप के लिए रेडी होते हैं। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप के लिए हम हमारी स्किन को रेडी कर लेते हैं, पूछ के देखते हैं कि रिजल्ट हमें कैसा मिला है। तो अभी तो फेशियल का एक स्टेप बाकी है, और अभी से हमारी स्किन जो है वो एकदम ही ग्लो कर रही है। लास्ट स्टेप करके देखते हैं कि उसमें क्या यूज हुआ है और हमें उसे किस तरीके से करना है। तो लास्ट जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप, वो एप्पल पैक है, यानी कि इसमें एप्पल का यूज हुआ है। ये वाले स्टेप के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो क्रीम दी गई है उसे चेहरे पे लगा लेना है, एक पतला सा लेयर बनाना है, और उसे 7 मिनट्स तक अपने चेहरे पे रहने देना है। यहाँ पर ग्रीन एप्पल का यूज हुआ है। ग्रीन एप्पल में जो भी अच्छे अच्छे एक्सट्रैक्ट होते हैं वो हमारे स्किन यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगी। 7 मिनट्स के बाद हम चेहरे को साफ कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा फेशियल का लास्ट स्टेप है, उसे भी कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि स्किन में कैसा ग्लो आता है। तो यहाँ पर 7 मिनट्स हो चुके हैं, हमें ये जो पैक है उसे अब निकाल देना है। जब आपको लगे कि ये पैक सूख गया है तो इसे निकाल दीजिए। तो सबसे पहले इसे निकालते हैं। वाओ,
यहाँ पर हमारे फेशियल के सारे ही स्टेप्स हो चुके हैं। 45 मिनट्स में ही हमने घर पे ही एकदम अच्छा फेशियल कर लिया है। सारे ही स्टेप बहुत ही आसान है और रिजल्ट जो मिला है वो भी बहुत ही अच्छा मिला है। तो अगर आपके घर में किसी की शादी है या तो फ्रेंड की शादी है और आप घर में ही फेशियल करना चाहते हैं तो आप ये वाली किट में ज़रूर इन्वेस्ट करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप परचेज करना चाहें तो। ना यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और टिप शेयर करना चाहूँगी कि जब भी हम फेशियल करते हैं तो स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो लास्ट में या तो आप मॉइस्चराइजर क्रीम का यूज़ कर सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा मतलब स्किन पर लगा देती हूँ जिससे स्किन पर कोई ड्राइनेस ना आए और एक मॉइस्चर लेवल जो है वो बना रहे। बारी है बिफोर एंड आफ्टर की, तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन में पहले से एक बहुत ही अच्छा ग्लो आ चुका है। स्किन जो है वो ज़्यादा फ्रेश फील कर रही है, तो ब्रांड जो दावा कर रही है वो एकदम ही सही है। ये फेशियल करने के बाद स्किन थोड़ी सी फ्रेश फील करती है, हमें भी थोड़ा सा अच्छा एहसास होता है। तो अगर आपके घर पे थोड़ा सा मतलब छोटा सा कोई फंक्शन है या तो कहीं बाहर जाना है तो आप ये वाली फेशियल किट ज़रूर ट्राई करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए।